जाएगा। अब इस एटमॉस्फेयर में हम जानते हैं कि अगर ये मेरा मेटल है तो इसमें सम अमाउंट ऑफ क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंट होगा। जो पार्टीशन क्रिएट हो गया है वो जो पार्टीशन है उसको क्या बोला जाएगा, मॉइस्चर वाला पार्टीशन बोला जाएगा। ठीक है, हमने मॉइस्चर वाला पार्टीशन जनरेट कर लिया। अब इनको होता क्या है, मेरे पास आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पे ना मैं मॉइस्चर लेना समझ रहा है आप लोगों को। इसके बाद आयरन, आयरन मतलब लोहे की बनी कोई चीज है। तो मान लीजिए आयरन मेटल का मेरे पास एक रॉड है और उस रॉड को मैं क्या करती हूँ, इस पानी में डिप कर देती हूँ। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर सम ड्रॉप ऑफ वाटर लोहे की बनी चीज में अगर पानी में उसमें ड्रॉप आउट होता जाएगा तो आपका वन वीक में उसमें क्या होने लगता है, रस्ट होने लगता है। तो उसी रस्टिंग के प्रोसेस को हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो मैंने यही पर क्या प्रेजेंट है, मैंने बोला H2O प्रेजेंट है, साथ में क्या प्रेजेंट है, O2 प्रेजेंट है। मतलब ये बटल इस ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, बाइंडिंग का प्रोसेस कर रहा है। जब ये बाइंडिंग का प्रोसेस करेगा तो यहाँ से निकलने वाले ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इसको ये बटल क्या कर लेता है, गेन कर लेता है, और गेन करके इन सारे केमिकल्स को किससे कन्वर्ट कर देता है, इसको कन्वर्ट कर देता है ये हाइड्रोक्साइड आयन में। मतलब ये हाइड्रोक्साइड आयन जब बना इसका मतलब है कि यही मेरा क्या है, मॉइस्चर है। समझ रहे हो कि मॉइस्चर बनता कैसे है, वाटर प्रेजेंट था, वाटर से ऑक्सीजन कॉन्टेक्ट में आया, आयरन को डिप करने के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन निकला तो इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन ने क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया। और जैसे एब्जॉर्ब कर लिया तो पूरी तरीके से मॉइस्चर वाला कंडीशन क्या हो गया, जनरेट हो गया। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन मेरे पास जनरेट हुए हैं, ये मेरा नेगेटिव चार्ज है और ये मेरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। आपको दिख रहा होगा तो इनकी लैंग्वेज ऑफ साइंस अगर
बनता है तो उसको किस फॉर्म में इंडिकेट किया जाता है, चार्ज फॉर्म की फॉर्म में इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज बना तो हम इसको किस फॉर्म में इंडिकेट कर देंगे, एनोड के फॉर्म में इंडिकेट कर देंगे, ठीक है। जब ये बोथ प्रोसेस मतलब ये दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और ये Fe इस हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्या बना लेगा, FeOH फुल ट्वाइस बना लेगा, दैट इज कॉल्ड अ फेरिक हाइड्रोक्साइड। और जैसे ही ये फेरिक हाइड्रोक्साइड बना, मान लो मेरा ये आयरन का क्या था, एक रॉड था, ये रॉड पहले इसका जो सरफेस था काफी स्मूथ था, काफी प्लेन था, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसने ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का लेयर चढ़ गया, ये हल्का सा क्या हो गया, क्रस्ट हो गया, समझते हैं वो, मतलब ये प्लेन सरफेस में हल्की सी दरारी आ गई हम ये बोल सकते थे, या जो प्लेन था अब वो प्लेन नहीं है, ठीक। और ऐसा तब होगा जब ये आयरन आयनाइज होके इस मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके
क्या डिस्कशन है भाई बताओ, क्या डिस्कशन है हमको भी बताओ, हम भी सुनते हैं आपका डिस्कशन, इतना क्या आप डिस्कस कर रहे हो। चलिए तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 10। चैप्टर 10 की हमको जो बताया गया है, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, आज की डेट डालिएगा और इस चैप्टर के बारे में नोट करेंगे आप सभी, ठीक है। तो देखिए इसमें बताया क्या जा रहा है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन हाँ तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, लाइट सरफेस हो जाएगा, इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में आपको बताना है, कौन से सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे। तो ये आपका एक प्लेन सरफेस हो जाएगा और इसमें ये दोनों प्रोसेस होगा, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन का, और दोनों के दोनों कैसे है मैंने बोला कि दोनों के दोनों लाइट फिनोमिनन है। लाइट फिनोमिनन का मतलब लाइट के हेल्प से ये रिएक्शन करते हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइट के हेल्प से जानने की कोशिश करें, तो सबसे पहले ये बताओ कि क्लास 7 में आपने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या किया था। इसमें आपको तीन चीजें दी गई थी, क्या क्या, एक तो मिरर दिया गया था होगा, एक लाइट सोर्स था होगा आपके पास, और एक आपके पास ब्लैक पेपर था, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि आपने क्या किया था, एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट है, ये डस्टबिन है, ठीक है, जब तक मेरी आंखें खुली है ये मुझे दिखाई देता है, लेकिन मेरी आंखें बंद हो जाएंगी तो ये मुझे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब सपोज करो नाइट
रहेगा लेकिन अभी दिखाई दे रहा है ठीक है क्यों वेरी गुड यहाँ पे लाइट है दैट मींस कोई भी ऑब्जेक्ट हमको तभी दिखाई दे सकता है जब उस ऑब्जेक्ट के आसपास कौन सा सोर्स प्रेजेंट हो लाइट का सोर्स प्रेजेंट होता क्या है देखो अब पेपर तो ये मेरा बॉल है इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे रखती हूँ और इसका इमेज इस बॉल के उस पार देखूंगी सोचूंगी कैसा पॉसिबल है क्या बिल्कुल भी नहीं है जहाँ पे मैं हूँ वहीं पे इस ऑब्जेक्ट के इमेज को भी मैं देख सकती हूँ और इस ऑब्जेक्ट को भी मैं क्या कर सकती हूँ देख सकती हूँ तो देखो होता क्या है की बात मैं आपको बता रही हूँ जब लाइट सोर्स आता है तो लाइट सोर्स क्या करता है किसी ऑब्जेक्ट पे टकराता है ठीक है वो उस ऑब्जेक्ट पे टकराने के बाद आफ्टर रियल रिफ्लेक्शन हमारी आई पे आता है तब जाकर वो ऑब्जेक्ट हमको क्या होता है दिखाई देता है और ऐसा इस वजह से मैं बोल रही हूँ क्योंकि अगर यहाँ पे डार्क रूम रहे तो यहाँ पे कोई लाइट सोर्स नहीं आएगा लाइट सोर्स नहीं आएगा तो कोई रिफ्लेक्शन का प्रोसेस ही नहीं रोशनी क्या होगी वो जो लाइट सोर्स है वो आएगा उसी के बाद वो ऑब्जेक्ट हमको क्या होगा दिखाई देगा ठीक है ऐसा होगा अब इसमें देखिए दो तरह के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं यहाँ पर मैंने ये बोला कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट जब तक क्या करेगा रिफ्लेक्शन का प्रोसेस शो करेगा तो मुझे उस ऑब्जेक्ट का क्या दिखाई देगा इमेज दिखाई देगा मैंने ये बोला ठीक है रिफ्लेक्शन का प्रोसेस करेगा तो अब ऑब्जेक्ट जो है टू टाइप का होता है कौन कौन सा होता है देखिए एक आपका होता है ओके और एक आपका होता है ट्रांसपेरेंट ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं बताया जा रहा है एक ओके होता है और एक ट्रांसपेरेंट होता है तो सबसे पहली बात ये आती है कि ओके क्या होता है और ट्रांसपेरेंट क्या होता है बताइए ट्रांसपेरेंट है ऑब्वियसली सी बात है इसके आर पार मुझे दिखेगा इसका मतलब जिसके आर पार दिखाई दे जाए वो ट्रांसपेरेंट है और जिसके आर पार मुझे दिखाई ना दे वो मेरा क्या हो जाएगा ओपेक हो जाएगा तो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं एक हमारा ट्रांसपेरेंट जो हमको आर पार दिखाई दे जाए ठीक है और एक हमारा ये क्या हो सकता है फॉर एग्जांपल ग्लास स्लैब आपने एक्सपेरिमेंट किया था याद है या नहीं और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा मिरर होगा ऑब्वियसली सी बात है मिरर होगा मिरर के पीछे वाला पोर्शन क्या होता है कोटिंग होता है सिल्वर की कोटिंग उसमें लगी होती है और सामने वाले ऑब्जेक्ट में हमको हमारा क्या दिखता है इमेज दिखता है समझ रहे हो मतलब वो ट्रांसपेरेंट नहीं है वो ओपेक है और ग्लास स्लैब क्या होता है ग्लास स्लैब को अगर मैं ऐसे रख के देखूंगी तो मुझे सामने वाला पोर्शन भी दिखाई देगा और बाद वाला पोर्शन भी मुझे दिखाई देगा ठीक है तो दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट तो देखो ये जो ओपेक हमारा ऑब्जेक्ट होता है इसमें जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन कहती आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें रिफ्लेक्शन का प्रोसेस पॉसिबल होता है बोला जाएगा तो वो आपके लिए कैसा ऑब्जेक्ट होगा ओपेक ऑब्जेक्ट होगा दिखाई देगा ठीक अब ट्रांसपेरेंट की बात आती है ट्रांसपेरेंट में जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन प्रोसेस ऑब्जेक्ट आता है लाइट रे आएगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा और इसमें क्या होगा लाइट रे आएगा और सीधे निकल जाएगा वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा जिसकी वजह से उसपे मुझे अपना क्या नहीं दिखाई देगा ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो दिखाई नहीं देगा इस बात को याद रखिएगा इसके आर पर देखा जा सकता है लेकिन इसमें हम अपना इमेज क्या नहीं कर सकते हैं देख नहीं सकते हैं इस बात को समझिए और अगर आपको दिखता भी है तो उसमें हल्का सा क्या होता है चेंजेस होता है ये चेंजेस किस वजह से होता है तो कि मैंने प्रैक्टिकल कराते वक्त बताया
स्लैब ही लेके आती हूँ। ये आपका क्या है? स्लैब है, ठीक है। ये आपका क्या है? मिरर है। ये ट्रांसपेरेंट है या ओपेक है? ओपेक है। इसमें इमेज दिख रहा है आप सभी को अपना? आप ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। इसमें आर पार दिखेगा बट मेरा इमेज मुझे नहीं दिखेगा। जैसे मैं ऐसे देखूंगी तो मुझे अपना इमेज दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस साइड पे जो ऑब्जेक्ट है मुझे इसके आर पार दिखाई दे जाएगा। दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसपेरेंट। अब एक बात देखो, ये मेरा एक ग्लास का बना हुआ ऑब्जेक्ट है और मैंने आपको ये बताया था कि सपोज मेरा पाम है, ठीक है। ये पाम आपको अभी अच्छे से दिख रहा है। यही चीज अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं, अब मेरे पाम को देखो, ये भी मेरा पाम है, मेरा फिंगर आपको दिख रहा होगा। एक फिंगर की बात करती हूँ, ये एक फिंगर है, यहाँ पे काफी अच्छे से दिख रहा है। अब मैंने इसको यहाँ पे रखा, आपको उतना अच्छे से दिख रहा है इसपे और इसपे
लाइन से पास करती हूँ तो इसको रोकने वाले बहुत से ऑब्जेक्ट वहां पे क्या होते जाते हैं, मुझे मिलते जाते हैं। तो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट मुझे मिलते जाएंगे होगा क्या, इसको लाइट बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी, बॉक्स भी नहीं जाए। मतलब लाइट की डेंसिटी में क्या आ गया, चेंजेस आ गया। तो जो ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे काफी क्लियर दिखता है, तो ऐसा देखना है क्योंकि यहाँ पे लाइट की डेंसिटी क्या है, मोर है, और यहाँ पे लाइट की डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं लाइट को पास करती हूँ तो यहाँ पे कुछ एक पार्टिकल टकराएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा पार्टिकल कहाँ पे टकराएंगे, ग्लास में, उसके बाद वाटर में, और सबसे कम पार्टिकल कहाँ पे टकराते हैं, समझ रहे हो। लाइट की डेंसिटी में चेंजेस की वजह से हमको हमारे ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो क्या दिखाई देता है, बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देता है। और इसी वजह से ऐसा होता है कि यहाँ पर ये आपका बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर आपको मेरा पाम दिखेगा, यहाँ पे हल्का सा आपको ब्लर दिखेगा क्योंकि लाइट का डेंसिटी कम हो गया, और इसी हाथ को आप पानी के अंदर डालोगे तो हल्का सा और आपको ब्लर दिखेगा क्योंकि वहां पर एयर के कंपैरिजन में लाइट की डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। क्यों कम हुई, क्योंकि एयर का जो खुद का डेंसिटी होता है वो लेस होता है एज कम्पेयर टू वाटर एंड ग्लास, ठीक है। तो अगर रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो रहा है, रिफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है, तो वो किस पे डिपेंडेंट है, कि मेरा मीडियम कौन हमारे पास मीडियम में बहुत सारे चेंजेस प्रेजेंट होते हैं, और इसी चेंजेस की वजह से हमको ऑब्जेक्ट का इमेज अलग अलग जगह पे क्या दिखाई देता है, अलग अलग दिखाई देता है। और ये कौन से प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, जब हमारा लाइट से क्या शो करता है, रिफ्रैक्शन शो करता है, मतलब उसका इमेज हमको नहीं दिखता, बल्कि लाइट ने जहाँ पे ट्रैवल कर दी वहां से बिल्कुल क्या हो गई, सीधी निकल गई। इस बात को याद रखिएगा, मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट का हमको क्या नहीं दिखता, इमेज नहीं दिखता, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें भी इमेज का टाइम देखोगे कि किस टाइप के होते हैं, रियल होता है और एक हमारा इमेजिनरी होता है, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हो गया, चलो चलिए, तो कल की क्लास में आगे डिस्कस करेंगे।